प्रखंड के भोड़ों में अखंड यज्ञ हवन हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने 24 लगातार हरे रामा हरे कृष्णा गीत गाए, पुजारी हरि साव भजन गाते रहे और आचार्य बसंत शास्त्री भी मौजूद। अखंड हरि कीर्तन में भोंडो भरतपुर गांव के सभी लोगों ने भाग लिया। कीर्तन मंडलियों के हरे राम हरे कृष्णा की धुन से वातावरण भक्तिमय हो गया। यज्ञ समिति के अध्यक्ष वासुदेव साव ने बताया कि बुधवार को कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और यज्ञ में पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन भी होगा। चंदवारा से जयकांत कुमार की रिपोर्ट। महाराज जी, जो आज आपने ये हरि कीर्तन अखंड कीर्तन 24 घंटा का स्टार्ट किया है, क्या कुछ कहेंगे? हरि कीर्तन अखंड कीर्तन ये यहाँ की समिति का कार्य है। कहीं भी जैसे कि यज्ञ होता है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो भंडारे के पहले अखंड कीर्तन का मतलब कि 24 घंटे निरंतर सांस टूटनी नहीं चाहिए, और नाम का हो, पाठ का हो या कीर्तन का हो, तो वही जब पूर्ण हो जाता है तो उसी को हवन करने के बाद देवताओं प्रसन्न होते हैं हवन से और मनुष्य प्रसन्न होते हैं भोजन से, उसी को हम प्रसाद वितरण करते हैं या प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपने जो ये कथावाचक कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, कथावाचक के माध्यम से संदेश एक ही है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा और भगवान श्री राम ने जो किया, उसको व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम एक ऐसे देवता हुए जिस राम ने पशु पक्षी जीव जंतु नर नारी गंधर्व किन्नर सबको अपने गले से लगाया, इतना तक कि पेड़ पौधों को भी गले से लगाया। आज मनुष्य में जो आपस में विकृतियां हो रही हैं, कोई कह रहा है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, राम जी सबके थे और सबके राम जी हैं, और राम जी जिस तरह से जो कार्य किए वह कार्य मनुष्य को अपनाना चाहिए। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, राम भगवान भी थे। मनुष्य आज भी चाहे तो वह भगवान राम की तरह बन सकता है, सिर्फ अपने अंदर वो मर्यादा निभाए और मर्यादा को लेकर के चले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बन सकता है। आज के युवा युवतियों का कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आज के युवा युवतियों की अगर बात ली जाए तो भगवान श्री राम की बातों को दर्शन करना चाहिए। श्री राम जब बाल्यावस्था में युवावस्था में थे और सीता जी के संग में जब चले, सीता माता का हरण हो गया, वहाँ पर एक पक्षी जटायु नाम का पक्षी आया और सीता को बचा लिया, मरते दम तक बचाया है। और आज समाज में अगर किसी बहन बेटी के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हमारे भाई बंधु जो नौजवान हैं चुपचाप देख करके हंसी उड़ाते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से राम ने समस्त जीवों की रक्षा करी, उस तरह से आज समाज में ये जरूरत है कि युवा पीढ़ी भगवान राम की तरह, लक्ष्मण की तरह, शत्रुघ्न की तरह, चार भाइयों की तरह अपने आप को समझे और हिंदुस्तान में अपने हिंदू वर्ग को सत्य सनातन धर्म को आगे करने के लिए एकता की जरूरत है। न कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी राम के वंशज हैं और सभी राममय हैं। जिसको मैं अयोध्या धाम से राम कथावाचक एवं भागवत कथावाचक आचार्य श्री रंजीत शरण जी महाराज यूट्यूब के माध्यम से या भोंडो ग्राम में जो 9 दिवसीय राम कथा चल रही है या यूट्यूब लाइव है, आचार्य श्री रंजीत शरण जी महाराज के पेज को अगर आप खोलेंगे तो लाइव टेलीकास्ट इस कथा का दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को राम में बनाइए। इस चैनल को जितना से अधिक हो आप सभी दर्शन करें और शेयर करें। भगवान करे कि यह चैनल आने वाले समय में और भी हाईलाइट हो। जय श्री राम। धन्यवाद।